नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अभी जैसे मिर्च की स्थिति हमारी अब थोड़ी संभलने लगी है, लेकिन अब आने वाले समय में हमें एक कीट काफी परेशान करने वाला है, जिसके कारण लास्ट ईयर भी हम काफी त्रस्त थे और इस साल भी उसके नज़ारे हमको देखने को मिलने लगे हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक थ्रिप्स के बारे में। ब्लैक थ्रिप्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी मिर्च की फसल को ही परेशान करती है, वो आपका किसी भी प्रकार का सब्जी वर्ग पौधा हो सकता है या फूल वर्गीय पौधा हो सकता है या फिर आपके सजावटी पौधे भी हो सकते हैं। वो किसी भी फसल को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्षति पहुंचाता है और फिर पौधे को रिकवर होने में काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन आज हम सबसे ज़्यादा परेशान हैं मिर्च की फसल के कारण, क्योंकि मिर्च की फसल के ऊपर जब ब्लैक थ्रिप्स आता है तो हमारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान होता है, क्योंकि वो मिर्च के फूलों के अंदर आता है और फूल को वापस से फल में कन्वर्ट होने में दिक्कत देता है, फूल को फल नहीं बनने देता है। यह हमारा काफ़ी ज़्यादा उत्पादन को इफेक्ट करता है, हमारे उत्पादन को नुकसान करता है। तो आज हम ब्लैक थ्रिप्स के बारे में जानेंगे कि ब्लैक थ्रिप्स का जीवन चक्र कितने दिनों का होता है, इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है और इसे रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो आप सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सही समय पर मिलती रहे। तो किसान भाइयों, अगर हम ब्लैक थ्रिप्स के जीवन चक्र की बात करें तो टोटल 6 अवस्थाएं इसकी होती है। सबसे पहली अवस्था की बात करें तो अंडा होता है। इसका अंडा भी नॉर्मल मुर्गी के अंडे जैसा अंडाकार का होता है और सफेद रंग का ही होता है। अगर अंडे से अगली अवस्था की बात करें तो 3 से 5 दिनों में टेम्परेचर के आधार पर इसका जो अंडा फूटता है और वापिस से वो अगली अवस्था में जाता है। कभी अगर टेम्परेचर हाई है तो 3 दिन में भी ब्रेक हो जाएगा, टेम्परेचर हाई नहीं है तो 5 दिन भी इसको लग सकते हैं। अब अगली अवस्था की बात करें तो लार्वा होती है किसान भाइयों। लार्वा 2 अवस्था में होता है, पहली अवस्था N*1, दूसरी अवस्था N*2। 2 अवस्था इसकी लार्वा की होती है, ये भी 3 से 5 दिनों में अगली स्टेज में बढ़ता है, फिर दूसरी स्टेज वापिस से 3 से 5 दिनों की होती है। इसके बाद में लार्वा के बाद ये आगे बढ़ता है किसान भाइयों प्यूपा की ओर। प्यूपा की भी 2 अवस्थाएं होती है, प्यूपा भी वही कहानी है, 3 से 5 दिनों की इसकी अवस्था रहेगी टेम्परेचर के आधार पर, और फिर जो दूसरी अवस्था है प्यूपा की उसमें भी 3 से 5 दिन लगेंगे। इसके बाद में किसान भाइयों ये वयस्क बनता है, इसके 2 पंख आएंगे जोड़ी के आकार में और ये उड़ना स्टार्ट करता है। इस प्रकार से ब्लैक थ्रिप्स का जीवन चक्र होता है। इसमें जो लार्वा और प्यूपा 2 अवस्था हैं हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि एक ही जगह बैठ के हमारी फसल में रस शोषण करते हैं और पौधे को इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण कि हमारी फसलों में ज़्यादा नुकसान हमको देखने को मिलता है। इसके बाद में जब यह एडल्ट बनता है तो यह वायरस के वाहक का भी काम करता है, क्योंकि यह सफ़ेद मक्खी की तरह एक पौधे से उड़कर दूसरे पौधे की ओर जाता है, जहां पर यह संक्रमण को फैलाने का कार्य भी करता है। इस प्रकार से ब्लैक थ्रिप्स हमारी फसलों में नुकसान करता है। अगर हम मिर्च की फसल की बात करें, जो मिर्च की फसल का फूल होता है, फूल के अंदर की साइड ये जाकर बैठता है और फूल में जो उसकी जो प्रजनन क्रिया है उसे रोक देता है, जिसके कारण फूल हमारा फल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और फूल वहीं के वहीं सूख कर गिर जाता है, क्योंकि उसका ये पूरी तरीके से रस शोषण कर लेता है। अभी अगर हम स्प्रे करते भी हैं, जैसे कि निमाड़ में या फिर अन्य मिर्च की फसल वाले किसान भाइयों की प्रैक्टिस है कि ब्लैक थ्रिप्स के लिए कई सारे हेवी केमिकल का उपयोग करते हैं, लेकिन उनके हमको परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। उसका कारण क्या है किसान भाइयों, की फूल हमारा उल्टा लटका हुआ है और ब्लैक थ्रिप्स इसके अंदर छिपी हुई है। अब क्या होता है कि हम स्प्रे ऊपर से करते हुए निकल जाते हैं, जिसके कारण कि हमारी दवाई यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है और उसका हमें अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। दूसरा कारण ये होता है किसान भाइयों की, जो हमारा फूल है और इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं ये वाइट कलर की होती है और वाइट कलर की सरफेस को किसी भी प्रकार का केमिकल पेनेट्रेट नहीं कर पाता है, उसको भेद नहीं पाता है, उसके आर पार नहीं जा पाता है, जिसके कारण कि जो हमारा ब्लैक थ्रिप्स है उसके प्यूपा और लार्वा इसके अंदर छिपे बैठे हैं और वहाँ तक हमारा कोई केमिकल नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके कारण हमको अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिलते हैं। अभी क्या होगा, जब एडल्ट होगा तो एडल्ट फूल से बाहर निकलेगा और अगर वो हमारी फसलों के दूसरे अन्य हिस्सों पर जाके बैठेगा, पत्ती और शाखाओं पर, तो हमारे जो केमिकल का स्प्रे किया है उसका हमको परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो हमारे फूल के अंदर बैठा है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए कुछ किसान भाइयों ने प्रेशर पंप या पावर स्प्रे का भी उपयोग किया, उसमें कुछ परसेंट 40 से 50% तक तो आप उसको ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन फिर भी हमारा कुछ ना कुछ नुकसान खेतों में चलते रहता है। अभी इसके ऊपर कई सारी कंपनियां शोध करने में लगी है, क्योंकि आज तक इसका एग्जैक्ट किसी भी प्रकार का कोई केमिकल ऐसा लेबल क्लेम नहीं है जो कि ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करे। अगर कोई किसान भाई जानते हैं कि यह ब्लैक थ्रिप्स के लिए लेबल क्लेम प्रोडक्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि अन्य किसान भाइयों को भी उसके बारे में पता चले।
अब किसान भाइयों तो फिर हम इसे कंट्रोल कैसे करें। तो आज हमारे पास में कुछ ऐसे हमारे जो प्रैक्टिकल अनुभव है जो हमने कुछ किसान भाइयों से उसके उपयोग कराए हैं और उनको अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं, तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमने दो दवाइयों का, दो केमिकल का कॉम्बिनेशन करके किसान भाइयों से उपयोग कराया था, जिसका कि हमें 70 से 80% तक उसका रिजल्ट देखने को मिला। हम 100% रिजल्ट की बात नहीं करेंगे किसान भाइयों, हमें 70 से 80% तक का कंट्रोल मिला था। अब उससे क्या होगा कि हमारा जो फॉर्मेशन है फ्रूट का, फूल के बाद में जो फल बनने की क्रिया है वो आपकी आसान हो सकती है। जैसे उदाहरण की बात करें तो एक फूल के अंदर अगर आपकी 10 ब्लैक थ्रिप्स है तो वो जो आपके फूल को इतना नुकसान पहुंचाएगी कि उसे फल नहीं बनने देगी। लेकिन अगर हमने 70 से 80% यानी कि 7 या 8 थ्रिप्स को एक फूल के अंदर से मार दिया तो फिर 2 या 3 आपके फूल को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी कि वो फल नहीं बन सकता। तो कम से कम हमारा जो फ्रूट फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट रहेगा और हमें आने वाले समय में फायदा भी मिलेगा। तो अगर 70-80% भी हमारा कंट्रोल होता है तो काम की बात है। तो अब कौन से दो केमिकल है किसान भाइयों, सबसे पहला है टोल्फेन पाइराइट 15% ईसी फॉर्म में, और इसी के साथ में हमने उपयोग करवाया था क्लोथियानिडिन 50% WG फॉर्म में। दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमने जब खेतों में स्प्रे कराया तो 70 से 80% तक का हमें रिजल्ट देखने को मिला और उसके बाद में फ्रूट फॉर्मेशन भी फसल में स्टार्ट हो गया था। तो आप इन दोनों टेक्निकल का आप उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप व्यापारिक नाम की बात करें तो हम आपको दो प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहेंगे। सबसे पहला है बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड का टोल्फेन, उसी के साथ में उसी कंपनी का आता है क्लोथियानिडिन 50% WG फॉर्म में, जो कि आता है घुटू के नाम से। तो टोल्फेन आपको 40 ml प्रति 15 लीटर की दर से, 400 ml प्रति एकड़ की दर से, और घुटू की बात करें तो 10 ग्राम प्रति 15 लीटर की दर से, 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको इसका उपयोग करना है। अगर हम अन्य कंपनी के उत्पादों की बात करें तो आपको टोल्फेन पाइराइड नचिनो कंपनी का टाइची के नाम से मिल जाएगा, उसी के साथ में क्लोथियानिडिन WG फॉर्म में आपको सुमिटोमो केमिकल का मिल जाएगा जो कि डेंटासू के नाम से आएगा। तो आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो प्रैक्टिकल है, हमारे जो अनुभव हैं वो टोल्फेन और घुटू को लेकर है, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं। अगर आप ये दोनों टेक्निकल या दोनों प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो हम इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इन्हें खरीद सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों कि आने वाले समय में ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करके आप भी आपकी फसल से अच्छा उत्पादन लेंगे। सिर्फ मिर्च की फसल के लिए नहीं है किसान भाइयों, जिस भी फसल पर आपके यहाँ ब्लैक थ्रिप्स का अटैक दिखता है तो आप उस पर इसका उपयोग कर सकते हैं और आपकी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतने किसान भाइयों, धन्यवाद।